नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, ठंड भी अब अपने लगातार तेवर दिखा रही है। शीतलहर और हाड़ कपा देने वाली ठंड से हर कोई बेहाल है। एक और जहां ठंड से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई और जगह जगह जरूरतमंद लोगों के लिहाफ और कंबल का वितरण किया जा रहा है, तो वहीं सामाजिक संगठन भी इस नेक काम पे पीछे नजर नहीं आ रहे। इसके तहत एलिट खत्री क्लब मुरादाबाद ने महानगर के कड़ाके की ठंड को देखते हुए रात्रि में जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म जैकेट का वितरण किया। एलिट खत्री क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा जैकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को ही जैकेट का वितरण किया गया। शहर के कांट रोड से लेकर जैन मंदिर, अमरोहा गेट, बुद्ध बाजार, स्टेशन रोड, दिल्ली रोड, लाइन पार आदि क्षेत्रों में जाकर एलिट खत्री क्लब के द्वारा ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद लोगों को जैकेट वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड में गर्म जैकेट पाकर जरूरतमंद लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने एलिट खत्री क्लब के सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी समाज सेवियों को ऐसे कार्य के लिए आगे आना चाहिए ताकि निर्धन गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके, वो भी इस कड़कड़ाती ठंड से अपना बचाव कर सके। इस दौरान एलिट खत्री क्लब के सदस्यों ने कहा कि जो लोग जैकेट खरीदने में असमर्थ हैं, उनको हम ये नववर्ष का गिफ्ट दे रहे हैं ताकि वो इस कड़ाके की ठंड में अपने आप को ठंड से बचा सके। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय धवल, अनिल कपूर, नीरज सेठ, रतन खन्ना आदि शामिल रहे। देखिए, जिस तरीके से नववर्ष ने एकदम करवट ली है, बहुत ठंड का माहौल था और इस बार आपको पता ही है कि हम लोग पिछले 4 वर्षों से लगातार जैकेट वितरण करते आ रहे हैं। कल रात हमने ये अभियान फिर से प्रारंभ किया और पिछले 4 वर्षों में ये अभियान हमारा सबसे बढ़िया। एक तो इसमें सब उन लोगों को हमने ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढा और जो सिर्फ एक ऊपर चादर और नीचे सिर्फ एक स्वेटर पहने हुए थे, कोई लाइन पार से हरतला आ रहा है, कोई हरतले से लाइन पार की तरफ जा रहा था, इस तरीके के लोग साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, मतलब उन्हें देख के हमें इतना सुकून लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुरादाबाद में जितने भी समाज सेवी संस्थाएँ हैं, अगर सभी 50-50, 100-100 जैकेट ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के अगर उपलब्ध कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग बहुत ठंड से परेशान हैं, कह नहीं पाते और एक एक व्यक्ति के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, तो जो भी पिता होता है वो अपने लिए इतना नहीं कर पाता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में जुड़ें और आगे के दिनों में लोगों को जैकेट वितरण अवश्य। अब तक आपने कितनी जैकेटों का वितरण किया है और क्या लगता है? हमने कल 50 जैकेट का वितरण किया था और कल रात में हम फिर 50 जैकेट रात में वितरण करने जा रहे हैं, और हमारी जो जैकेट है वो निश्चित रूप से इतनी बढ़िया क्वालिटी की है कि जिसको हमने दी हमारे वीडियो में वो लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ थी। इन पूरे अभियान में कौन कौन लोग आपका सहयोग कर रहे हैं? मैं खुद अभियान में जुड़ा रहा, मेरे साथ हमारे अनिल कपूर जी, हमारे रतन खन्ना जी और नीरज सेठ जी हमारे साथ कल के अभियान में जुड़े रहे। बाकी ये जैकेट्स जो आई हैं वो एलिट खत्री क्लब के तमाम सदस्यों ने 5-5, 7-7, 2-2, 6-6 जैकेट्स का कंट्रीब्यूशन अपनी जेब से दिया है। इसी अभियान के अंतर्गत हम लोग ये जैकेट बांट पा रहे हैं। आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे। हमारे शहर में जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी एलिट खत्री क्लब हमेशा आपको सबसे आगे।